कानून आया था, पास हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद पे लगातार चल रहा है। 15 तारीख को यहाँ पर एक हंगामा सा हुआ, उसके बाद से यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ हो गई। तब से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है, दिन में चल रहा है, रात में चूँकि ठंडक हो जाती है, लड़कियाँ भी चली जाती हैं, तो दिन में हम लोग इसलिए कंटिन्यू कर पा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है हॉस्टलों में, और जिस दिन आ जाएगा तो हम ये 24/7 कर देंगे इंशाल्लाह। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हर उस आवाज़ को समर्थन दिया, हर उस आवाज़ को अपोज़ किया है जो देश के लिए अच्छी हो, उसको समर्थन किया है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर खिलाफ में है, देश के खिलाफ में है, तो उसको हमेशा खिलाफ में किया है, क्योंकि ये नोट ऑफ डिसेंट हमारा है, हम किसी से एग्री या डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इन्होंने जिस तरह वो निकाल के रखा है, बाकायदा इस तरह चल रहा है, एक तरीके से टारगेट करना। मुझे तो बस एक सबूत ये बताएं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कौन सा ऐसा शख्स इनको ये लगा कि वो आतंकवादी है, आज तक नहीं मिला। लेकिन चूंकि बात ये है, इनको हर वो आवाज़ बुरी लग रही है जो इनसे सवाल कर रही है। इनको फैज़ुल हसन अगर सवाल कर रहे हैं तो आतंकवादी लग रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फैज़ुल हसन नाम है। इनको हर उर्दू वाला नाम वाला बुरा लग रहा है। तो इस सरकार को चाहिए कि ये नफ़रत निकाले। मुसलमान यहीं के बाशिंदे हैं, ये नफ़रत निकाले। पहले NRC के तहत हम सारे बाहर ही कर देंगे, जो असम में उन्होंने किया, वो हंगामा करने की पूरी कोशिश पूरे जो है देश में करने की। फिर योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट जो है टारगेट कर करके बोलते हैं बदला लेंगे, ठोक देंगे, पीट देंगे। ये सब चीज़ें एक बैठे हुए पद पर बैठे हुए लोगों को नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर छात्र संघ अध्यक्ष रहा तो मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिर्फ मुसलमान बच्चों की बात करूँगा। यहाँ पर हिंदू भी हमारे छात्र जितने पढ़ रहे हैं वो उतनी ही बराबर हैं जितने मुसलमान छात्र हैं। तो ऐसे ही अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है तो देश के लिए और स्टेट के लिए, उसके लिए मुसलमान भी उतने ही बराबर हैं जितना उसकी कम्युनिटी के लोग बराबर हैं। पॉपुलर फ्रंट को बैन करने की बात चल रही है। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कि सरकार अपनी एजेंसी अपनी लगाए, लेकिन इस तरह आवाज़ दबा करके और इस तरह जो धमकी दे करके, और ये जो है बाकायदा, कल मैं देख रहा था लाइव TV टेलीकास्ट में, नेशनल TV टेलीकास्ट में देख रहा था कि क्या बरामद क्या हुआ। पम्पलेट बरामद हुआ है, 10 पोस्टर बरामद हुआ है, ना कोई हथियार बरामद हुआ, ना कोई ऐसा सब चीज़ हुआ। लेकिन कुछ ऐसी एजेंसियां इनके सरकार की खुद के जो जिनको सपोर्ट करती हैं कि वो गांधी जी को पुतले को आग लगा देते हैं, वो जा करके तिरंगे को उतार करके भगवा लहरा देते हैं, और जो है तिरंगे को उतार करके बीजेपी के झंडे को लगा देते हैं, अदालत की छतों से उतार दिया जाता है, तब आप उन पर बैन नहीं लगाते हैं। वो यहाँ पर जो है पूजा शकुन पांडे के ज़रिए जो है पुतले पे गोली मारी जाती है बाकायदा हमारे महात्मा गांधी को, और उसके बाद भी उनके ऊपर बैन नहीं लगाया जाता है। आप बजरंग दल पर बैन लगाइए, वो इतनी नफरत की बात करती है, देश तोड़ने की बात करती है, वो खुलेआम जो है दंगा भड़काने की बात करती है, आप उस पर बैन लगाने की बात नहीं करते क्यों? फिर हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट है।